आज हम कार्बन यौगिकों के बारे में जानने वाले हैं। वास्तव में यह पाठ हमारे आसपास प्राप्त होने वाले सारे यौगिकों के बारे में ही है। वे सारी चीजें जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना, कागज, औषध, लकड़ी, ये सारे पदार्थ एक बात में सामान्यता रखते हैं और वह है कार्बन। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे आसपास का सारा विश्व कार्बन से बना है। रासायनियों ने 10 लाख से ज्यादा यौगिक ढूंढे हैं या बनाए हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चार तत्व हैं। और इनमें केंद्रीय तत्व एक ही है और वह कार्बन है। इन्हीं कार्बन यौगिकों के अध्ययन को जैविक रसायन शास्त्र कहा जाता है। जैविक रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन के रसायन शास्त्र के बारे में अध्ययन करती है और खोज करती है। लोगों का मानना है कि जो भी जैविक है वे सारे यौगिक प्रकृति से ही लिए गए हैं। वास्तव में पहला जैविक यौगिक यूरिया प्रयोगशाला में अजैविक पदार्थों की सहायता से बनाया गया था। तभी से वैज्ञानिक जैविक रसायन शास्त्र की ओर एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि जैविक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। आज बड़ी मात्रा में जैविक यौगिक या कहे कार्बन यौगिकों से हम घिरे हुए हैं, जैसे रंग, पेट्रोलियम उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, अन्य इत्यादि। जैविक रसायन शास्त्र के अध्ययन से पूर्व हमें उन बंधों के बारे में जानना आवश्यक है जो बंध कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। इससे पूर्व के पाठ में हमने NaCl आयनिक बंध देखे। यह आयनिक बंध का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें दो आयन, धनायन और ऋणायन, विद्युताकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जड़े रहते हैं, Na+ और Cl-। यह बंध शक्तिशाली होती है। आयनिक यौगिकों को पिघलाना बहुत कठिन होता है। इसी कारण उनका द्रवणांक तथा थवनांक उच्च होता है। वे पिघली हुई स्थिति में विद्युत के सुचालक होते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि आयनिक यौगिकों में आयन मजबूत होते हैं। अगर हम इसी बात को कार्बन यौगिकों में देखना चाहे तो पाएंगे कि उनके द्रवणांक तथा थवनांक निम्न होते हैं। इसका अर्थ साफ है कि उनमें आंतर परमाणविक आकर्षण बल कम होता है। ज्यादातर कार्बन यौगिक जैसे मीथेन और इथेन कमरे के तापमान में वायु रूप में होते हैं। ये कार्बन यौगिक विद्युत के भी सुचालक नहीं होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन यौगिकों में आयनिक बंधों का अभाव होता है। इसी का अर्थ है कि कार्बन परमाणुओं में जो बंध होता है वह बंध सहसंयोजकीय बंध होता है। अब हम सहसंयोजकीय बंध के बारे में जानेंगे। आइए अब हम सहसंयोजकीय बंधों के कुछ उदाहरण देखते हैं। जिस अणु के बारे में हमने सबसे पहले जानकारी प्राप्त की थी वह हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। नजदीकी राजवायु के समान होने के लिए उसे हीलियम की तरह बनना पड़ेगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 है। अब हर एक हाइड्रोजन अणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे होते हैं और दो परमाणुओं का प्रभार संभालने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बंध में बंध जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन साझा करता है और इससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बंध तैयार होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध तैयार होता है। चलिए जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या करता है। नाइट्रोजन तिहरा बंध तैयार करता है, जिससे वह दो नाइट्रोजन के अणुओं में 6 इलेक्ट्रॉन साझा देता है। नाइट्रोजन दो प्रदीर्घ जोड़ों में होता है, इसी कारण नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बंध में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वही बात ऑक्सीजन के बारे में भी लागू पड़ती है। O2 के अणु में उसके स्वयं के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अन्य ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स साझा करते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वे अन्य 4 इलेक्ट्रॉन्स के दूसरे ऑक्सीजन के अणुओं से ही लेते हैं और इस प्रकार उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। समीप का राजवायु नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सहसंयोजकीय बंध निर्माण करना पड़ेगा, जो एक दुहरा बंध है। सहसंयोजकीय बंध एक हरा, दुहरा या तिहरा भी हो सकता है। सहसंयोजकीय बंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे
दो परमाणुओं के बीच भी दो इलेक्ट्रॉन्स के साझा करने से फलस्वरूप निर्माण होते हैं। आइए अब कार्बन यौगिकों के बंधों के विषय में जान लें। सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या होगा यह देखते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 2 और 4 के रूप में होते हैं। याद रखें कि कार्बन के सबसे बाह्य कवच में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी कारण उसकी संयोजकता 4 है। समीप के राजवायु का संरूपण प्राप्त करने के लिए कार्बन को या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना होगा या फिर उसे C+4 बनना पड़ेगा, जिससे वह एक अस्थिर आयन बन जाएगा क्योंकि उसे +4 का प्रभार संभालना पड़ेगा। इस आयन को स्थिरता प्राप्त करने के लिए कठिनाई होगी। समीप की दूसरी राजवायु है नियॉन। नियॉन की तरह होने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स का स्वीकार कर C-4 इस प्रकार बनना होगा। यह बहुत अच्छी कल्पना नहीं मानी जाएगी क्योंकि प्रभार का अनुपात बहुत ही कम है, अर्थात एक छोटे आकार के अणु पर बहुत ज्यादा प्रभार है। इसी कारण कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स का स्वीकार करने के लिए या उनका त्याग करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं है। ऐसा करने की अपेक्षा वह अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी ऐसे कार्बन के अणु के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ साझा करेगा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स साझा करे। जैसे अक्सर कार्बन कार्बन बंध तब बनते हैं जब कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन को दे और अन्य कार्बन भी एक कार्बन दे। वास्तव में वे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को इस प्रकार आपस में बांटते हैं जिससे वे एक बंध बनाते हैं। चलिए अब हम मीथेन के इलेक्ट्रॉनिक संरचना को देखते हैं। इसे लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना द्वारा दिखाया गया है। इसमें संयोजकता कवच के स्थित हर इलेक्ट्रॉन्स को बिंदु या फिर क्रॉस के चिन्ह से दिखाया जाता है। कार्बन जो मध्य में स्थित परमाणु है उनके 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स में एक एक हाइड्रोजन के साथ साझा कर रहा है और हाइड्रोजन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर रहे हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन बंध तैयार हो गया है। इस प्रकार के 4 हाइड्रोकार्बन के बंध साथ आने पर हमें मीथेन नामक तत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार के बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को साझा करके बनते हैं उन्हें सहसंयोजकीय बंध कहते हैं।